हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विद आरएन ओनली गर्ल्स। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम और फ्रेज के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ईडियम है और फ्रेज है, इनको शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो लेट अस स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज की हमारी पहली ईडियम है ए बिग ड्रो, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ए ह्यूज अट्रैक्शन। हिंदी में हम कहते हैं एक बड़ा आकर्षण। ए ह्यूज ड्रो, एक बड़ा आकर्षण। नंबर दो ईडियम है ए डॉग इन मैनेजर पॉलिसी, इसको कहते हैं ए सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी व्यक्ति। ए डॉग इन मैनेजर पॉलिसी का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति। नेक्स्ट ईडियम है ए फार क्राई, ये हो चुकी है ए फार क्राई, जिसका अर्थ होता है ए लॉन्ग वे और इम्प्रैक्टिकल आइडिया। ए लॉन्ग वे और इम्प्रैक्टिकल आइडिया, अव्यवहारिक विचार, अव्यवहारिक विचार को कहते हैं ईडियम में ए फार क्राई, ए लॉन्ग वे ओ। नेक्स्ट ईडियम है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट, यानी झूठी तारीफ करना। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट, झूठी तारीफ। फॉल्स प्रेजनेस, झूठी तारीफ जो होती है उसको बोलते हैं ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए कोक एंड बुल स्टोरी। दिस इज इंपॉर्टेंट ईडियम एंड इट हैज कम इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका मीनिंग होता है फैब्रिकेटेड और फॉल्स स्टोरी, यानी मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी, बनी बनाई कहानी को कहते हैं ए कॉक एंड ए बुल स्टोरी। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर, जिसका अर्थ होता है टू एग्रेवेट द प्रॉब्लम, समस्या को बढ़ाना, जो पहले से समस्या है उसको और बढ़ा देना। इसको हम ये कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करना, एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालने का काम करना, टू एग्रेवेट ए प्रॉब्लम, समस्या को बढ़ाना। नेक्स्ट है एज गुड एज वंस वर्ड, रेडी टू फुलफिल वंस प्रॉमिस, तत्परता से वादा पूरा करना, मतलब अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार रहना। इस ईडियम का अर्थ होता है एज गुड एज वंस वर्ड, यानी जो आपने कहा वो करने के लिए तैयार रहना, एज गुड एज वंस ऑन वर्ड। नेक्स्ट है एट रैंडम, एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है टू पजल, टू कंफ्यूज, भ्रमित होना, उलझन में पड़ना, टू गेट पजल, उलझन में पड़ना, एट वंस विट्स एंड, उलझन में पड़ना, कंफ्यूज होना। नेक्स्ट है एट रैंडम, एट रैंडम का अर्थ होता है एमलेसली ऑब्जर्व, एमलेसली या ऑब्जर्व, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित या यूं ही या अनियमित रूप से, इरेगुलरली, एट रैंडम इरेगुलरली, अनियमित और एमलेसली ऑब्जर्व, यानी उल्टपटांग, बेतरतीब तरीके से एक शिकारी को करने को कहते हैं एट रैंडम। ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, ए फ्रेंड हु लिव्स यू इन बैड टाइम्स, जो पूरे समय में छोड़कर चले जाता है और अच्छे समय में अपने पास आता है, मित्रता करता है, उसको कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी दुख
दुख में तो छोड़ देना और सुख में मित्रता कर लेता है उसको कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिनों का साथी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम है ए रेनी डे, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एविल डे और हिंदी में कहते हैं बुरे दिन। रेनी डे यानी एविल डे, बुरे दिन। नेक्स्ट है ए फर्स्ट चैन, जिसका होता है प्रायोरिटी, किसी चीज को प्राथमिकता देना वो बोलते हैं ए फर्स्ट चेंज, प्रायोरिटी देना, वरीयता देना। नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, वाटर के बाहर फिश मछली। अब देखिए मछली जो होती है वो जल में रहती है, अगर उसको बाहर निकाल दे देन इट विल बी इन ट्रबल, तो ये समस्या में आ जाती है। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ होता है टू बी अनकंफर्टेबल पोजिशन, यानी मुसीबत की स्थिति में होना, असहज महसूस करना, कठिनाई में होना। नेक्स्ट वन है ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी, अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी को बोलते हैं ए डार्क हॉर्स, जिसको हम बोलते हैं छुपारुस्तम। डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपारुस्तम। नेक्स्ट वन है ए फिदर इन वन स्कैप, ए फिदर इन वन स्कैप का मतलब होता है समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, जिसके कारण हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं उसको हम बोलते हैं ए फिदर इन वन स्कैप। नेक्स्ट वन है ए पिप ड्रीम, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, यानी अव्यवहारिक योजना, इम्प्रैक्टिकल प्लान, अव्यवहारिक योजना, इसके लिए हम यूज में करते हैं ए पिप ड्रीम, यानी अव्यवहारिक योजना। नेक्स्ट वन है ए क्वीर फिश, क्वीर का मतलब क्या होता है स्ट्रेंज, ऑड, विचित्र, अजीब, बेढंगा। क्वीर फिश का होता है स्ट्रेंज पर्सन, अजीब व्यक्ति, यानी विचित्र व्यक्ति के लिए यूज में ली जाती है एक क्वीर फिश। नेक्स्ट वन है एन ओपन बुक, ओपन मीन्स खुला, नो सीक्रेट्स, कोई रहस्य नहीं होना, इसको बोलते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट वन है ए स्टोरम इन टी कप, ए स्टोरम इन टी कप, चाय के कप में तूफान, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए किसी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर उसका विवाद का कारण बनाना, शोरगुल का कारण बनाना, तो छोटी सी बात को तुल देना को कहते हैं ए स्टोरम इन टी कप। नेक्स्ट वन है ए वाइल्ड गुज चेस, फ्यूटिल एफर्ट, यानी व्यर्थ की कोशिश, बेकार का प्रयत्न करना को बोलते हैं ए वाइल्ड गुज चेस, वाइल्ड गुज चेस यानी झूठा प्रयत्न करना। नेक्स्ट वन है ए स्क्वायर पैड इन ए राउंड होल, ए स्क्वायर पैड इन ए राउंड होल, जिसका होता है अनसुइटेबल फॉर द जॉब, यानी नौकरी के लिए अयोग्य होना, काबिल न होना को इंग्लिश में कहते हैं ए स्क्वायर पैड इन ए राउंड होल। ये थी आज की हमारी 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट idiom and phrases। I hope you will like that। Okay, thank you for watching this video।